सावन भादो के महीना में तो घर घर कचरिया लाके पहनना मतलब ये है कि तुम चेला की प्रशंसा कर रहे हो, सोने की परत कब निकाली जाती है जब उसे अग्नि में डाला जाता है, तब मालूम पड़ता है कि सोना असली है या नकली है। विश्वामित्री जी एक बात कही आपसे, दान करने वाले को दौलत की कम नहीं होती, सोने के हजारों टुकड़े कर दिए जाए लेकिन उसकी कीमत कम नहीं होती, सोना सोना होता है। तुम्हारे जैसे हजारों साधु संत और मेरे शिष्य के अंबर कंबर और कमंडल मांगते। एक बात कहिए, अभी तो तुम अपने मुंह से प्रशंसा कर रहे हो। आप कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि हम आपके शिष्य हरिश्चंद्र की परीक्षा करना चाहते हैं। परीक्षा कैसे करोगे? परीक्षा हम ये देखेंगे तो परीक्षा में ये पास है या फिर, और परीक्षा ऐसे नहीं होगी। ब्रह्मा जी से कहो हमें तीन रूप चाहिए। पहला रूप चाहिए हमको शूकर का। शूकर? शूकर बनोगे आपको शर्म नहीं लगेगी? जिसका भोजन निष्ठा होता है। क्यों, जब विष्णु भगवान शूकर बने तो अपने काय की शर्म लगेगी? और शूकर बनेंगे, दूसरा रूप हम ब्राह्मण बनेंगे और तीसरा रूप हम विश्व विद्या शर्म का बनेंगे। शर्म? आपको तीनों रूप दिए जाएंगे, आपका मनोरथ सिद्ध होगा, जा करके हमारे शिष्य से आप परीक्षा कर सकते हो। चले जाओ। तब तो ब्रह्मा जी से तीनों रूप मांगने के बाद आज यही विश्वामित्र शूकर का रूप धारण करते हैं, और शूकर का रूप धारण करने के बाद ये हरिश्चंद्र के बाग में पहुंच गए हैं, और बाग में जाकर के भक्तों बगिया को गुजारना शुरू कर दिया। जब क्यारी क्यारी को तोड़ना शुरू कर दिया तो इस माली ने देखा कि जा शुकर ने हमारी एक साल की कमाई पे पटेला फेंक दिया, तो वो माली हाथ में लाठी लेकर पीछे चिल्ला मदारा से बैठा पीछे हो जाते फर्श और साठ से माता मेरे बैठी जा। मेरे बहन भाइयों, आज वो माली हाथ में लाठी लेकर के चला, लेकिन उस कपटी शूकर ने क्या किया है कि माली के ऊपर ही भक्तों उल्टा प्रहार कर दिया है, और जैसे ही भक्तों प्रहार किया है तो माली की जगह को फाड़ दिया है, और जैसे ही माली की जगह फटी है तो वो माली रोता चिल्लाता हुआ हरिश्चंद्र की रास पहुंच गया। महाराज की जय जयकार हो। माली बात क्या है? महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? बगिया में एक शूकर आया, उसने सारी बगिया को जा दिया। महाराज जब हमने उसको प्रहार किया
दिया तो हमारी जमुना को भर दिया। एक बात कहे माली, कहिए महाराज, तुम्हारे जो आने का समय है वो ठीक नहीं है। मतलब संध्या का वक्त है और संध्या के वक्त ऐसी सूचना आप हमको दे रहे हो। शास्त्र तो ये कहता है अगर संध्या के समय दुश्मन भी दरवाजे पे आए तो उसका भी सम्मान और स्वागत करना चाहिए। सम्मान स्वागत करोगे महाराज तब तक तो मारी डाले को उपाय करो भाई। एक उपाय हम आपको बता रहे हैं।